चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि हम कैसे हर संडे को एक अपने नए ट्रेनी से आपकी बात करवाते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी गुरुकुल में आके क्या सीखा, कैसे उनको उसके बारे में पता लगा और पहले से और आज से आज तक क्या फर्क है। आज हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल इलाहाबाद से आए हुए अभिषेक कुमार प्रजापति जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे आपके साथ बात करवाऊंगा कि ये कैसे प्रॉपर्टी गुरुकुल के साथ जुड़े और इनको क्या फायदा हो। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। यू आर वेलकम मिस्टर प्रजापति। थैंक यू सर। सर, मुझे प्रॉपर्टी गुरुकुल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी गुरुकुल के बारे में पता कैसे चला। सर, सबसे पहले प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट एजुकेशन के बारे में कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जो रियल में रियल एस्टेट का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। सर, मैं जब मैं 12th पास आउट किया था तो मैं जान गया था कि लाइफ में मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट में जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सिंपल हैं, लोग जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन सर, स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉम्प्लेक्स लगा, क्योंकि बिजनेस कोई और कर रहा है, आप केवल बाहर से स्टडी करते हो। जब आप बिजनेस करते हो तब आपको उस स्टडी के बारे में रियल में एजुकेशन हो पाती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, आप पीछे आप देख के बताते हो कि इसकी स्पीड, इसमें ये गियर होने चाहिए, लेकिन आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई। तो फिर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें मुझे क्लियर हुआ किस तरह रियल इस्टेट को हर कंट्रीज की गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, क्योंकि ह्यूमन की तीन ही जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तो मैं समझ गया कि रियल इस्टेट मेरे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, तो मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया और इंडिया में उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कोई मुझे मेंटर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन, ठंडी का मौसम था, मैं नीचे रियाज के नीचे ऐसे बैठ के पढ़ रहा था, तो मैं आपका वीडियोस को मैंने देखा। तो मैं देखने के बाद, उस समय सर आपका ऑनलाइन लाइव सेशन चल रहा था, तो मैंने देखा और मुझे, मतलब मैंने पूरा एक घंटे का था और मैं एक बैग भी नहीं हुआ, तो पूरा उसको मैंने कंटिन्यू करता चला गया। तो इस तरह सर, मैं आपसे आपके हर वीडियोस देखने शुरू किए, फ्रॉड वाले वीडियो देखने शुरू किया और वर्ड के मीनिंग भी जानना शुरू किया। इस तरह मैं आपसे जुड़ता चला गया और मुझे अच्छी खासी नॉलेज होनी शुरू हुई। तो फिर मैं आपके ऑनलाइन कोर्सेज थे तो मैं उसको लेके फिर स्टडी करना शुरू किया। इस तरह मैं आपसे जुड़ पाया। ओके, तो अभिषेक जी, आपके बारे में ये मैंने सुना है कि आप इलाहाबाद से बिन बताए सर को मिलने के लिए आगे, मतलब मेरे को मिलने के लिए आगे, पेरेंट्स को बिना बताए मिलने के लिए, ये कहां तक सच्चाई है और इस किस चीज ने आपको ये बात करने के लिए मोटिवेट किया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, क्योंकि 12th के बाद मेरे बहुत अच्छे जो दोस्त थे वो IIT में है, उन्होंने BTech कर लिया है, उनको तो अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। मैं तो 12th के बाद एक लोकल कॉलेज से BSc कर लिया था और मेरे सपने बड़े थे, मैं बड़ा सोच रहा था कि मेरे सपने वहाँ से पूरे होने वाले नहीं थे। तो इसीलिए जब मैंने आपको वीडियो देखा, मैंने सोचा कि अगर सर ना भी कर दें लेकिन मुझे एक बार सर से मिल के आना है बस, और मैं कुछ नहीं जानता, अगर सर ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना कि मैंने ट्राई तो नहीं किया। तो फिर मैंने ये बात में जब दोस्त से डिस्कस किया तो उसने मेरा सपोर्ट कर दिया, अगर और किसी से डिस्कस कर दिया सर तो वो शायद मुझे मना कर देता है इतनी दूर आने के लिए। तो फिर क्या था सर, मैंने यहाँ पे मेरे मामा रहते हैं पानीपत में, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके मिलने के बहाने आपसे मिल पाया, अगर आपका मुंबई में होता तो मैं शायद नहीं आ पाता। तो मैंने कहा मामा जी, आप मुझे आपके घर घर पे आना है उससे छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो मम्मी से मैंने कहा, उन्होंने कहा फिर ठीक है जाओ एक दो दिन के लिए। तो इस तरह मामा के बहाने में आपसे मिल के चलाया और किसी को नहीं पता था, मेरे फ्रेंड के अलावा मैं आपसे मिलने आ रहा। नहीं, आपको क्या लगता है कि यदि आप पेरेंट्स को ये बोल के आते कि मैं राजवंश मोहाली सर से मिलने जा रहा हूँ, क्या वो आपको मना कर देते? हाँ, 100% श्योर,
वो मुझे मना करते थे कि इतनी दूर जाओगे सर से मिलने के लिए, मतलब वो कहूँगा काम क्या है कैसे। रियल इस्टेट में सर मार्केट में उसके बहुत निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एक और पर्सन निजी सवाल कि यदि आप वहाँ से इतनी दूर चल के आए, आप मन में क्या बात लेके आए कि मेरे को राजवंत सिंह वाली सर से मिलना। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि मुझे सर से सिर्फ सीखना है। अगर ना कर सर, मैंने दो लेटर लिखे थे यहाँ आने से पहले, अगर आप हाँ कर देते हैं तो मुझे आपको ये वाला लेटर देना है, उसमें मैंने सब बातें लिख दी थी। अगर आप ना करते हैं तो मैंने उसमें भी अपनी आपकी बातें लिख दी थी कि उसमें अगर आप, तो मैं ये सोच के आया था कि चल ठीक है एक बार कोशिश करने में क्या जाता है इतने दूर से आके मिलने के लिए। अगर आप ना कर देते सर, मेरा सर दिल टूट जाता है। अच्छा चलो मिलने के बाद मैं फिर एक निजी सवाल और सर से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? सर बस ऐसे ही था कि मैं कहीं डूब रहा था तो आपने मुझे बचा लिया। मेरे सपने, मैं अपने सपनों के साथ डूब रहा था तो आपने मुझे सहारा दिया, बस इतना ही था। ये आज कह रहे हो या जिस दिन पहले दिन मिलने आए थे उस दिन? सर जिस दिन आपका व्यू पॉइंट कब चेंज हुआ, मतलब कब आपका स्ट्रांग बना प्रॉपर्टी गुरु को लेकर, राजवंत सिंह को लेकर? सर फर्स्ट टाइम जब मैं अगस्त में आया था तो आपने जब कहा था कि ठीक है तुम बाइक सीख लो, लाइसेंस ले लो, फिर उसके बाद आओ, तो फिर उसी समय मुझे शुरू हुआ कि हाँ अब मिसर के साथ मुझे काम करना है कुछ। अच्छा, भी अगस्त से लेके अब जून 2022 चल रहा है, आपको तकरीबन ये 8-10 महीने हो गए। आपने 10 महीने में आपने क्या चेंज नोट किया? जब पहले राजवंत सिंह मौली सर से मिलके आप वापस चले गए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग लेने आए, आपका ये 10 महीने का सफर कैसा रहा? 10 महीने में क्या थॉट प्रोसेस रहा, क्या आपके एक्शन रहे, क्या आपको फर्क रहा, ये 300 का जवाब दे। सर मैं सबसे पहले मेरा एक्शन ये था कि जब मैं आपसे मिलकर गया था तो मैंने आपके ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया था क्योंकि मैं नॉलेज चाहता था, तो मैंने आपके ऑनलाइन कोर्सेज को देखा और देखने के बाद मैं उसे तीन बार देख चुका हूँ। मैंने उसके नोट्स बनाए तो मैं उसको देख चुका। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं सर के पास जाऊंगा तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, तो इसे नोट्स बनाया। और जहाँ तक की बात थी वहाँ पे आके काम करने की, तो मैंने बाइक चलाना सीखा और ख़ुद को और डेवलप कर रहा कि ताकि मैं वहाँ पे जाऊंगा लोगों से बात कर पाऊँगा। और जहाँ तक अपने पेरेंट्स को मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे यहाँ पे आने के लिए परमिशन दे दे। तो जब मैं बाइक सीख रहा था तो वो मेरी खुद की इच्छा थी, ये देख कर उन्होंने वो बहुत खुश हुए कि मैं इतने दिन से कह रहा था बाइक सीखने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने वो खुद से बाइक सीखा। और आप जब बीच बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाते थे या किसी केस स्टडी के बारे में हो जाता था तो वहाँ पर मैं अपना दिमाग लगाता था कि सर इसको कैसे कर रहे हैं, सर इस चीज़ के बारे में कैसे बता रहे हैं, तो मेरा माइंड मुझसे क्वेश्चन करता था, तो मैं उस पर जितना खुद से हो सकता था एक्शन लेके समझने की कोशिश करता था। मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है अभिषेक कि आप एडम सी बर्न्स का नाम आपने सुना होगा, कि आप उससे प्रभावित हुए जो थॉमस एडिसन को मिलने के लिए मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ के चला गया था। नहीं सर, मैं अगर आपके हमारे पास या किसी भी पर्सन के पास एक जुनून और एक ही लक्ष्य हो रहे, उसके पास एक ही चाह रहे, तो कुछ भी करने के लिए वो तैयार होता है। अब मैं यही सोच के चला, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं आपसे मिलने बाद क्या करूँगा, बस मैंने एक्शन ही लिया, बस मैं रेलगाड़ी में बैठ गया, उसके बाद कुछ भी और उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और मैं वो स्टेशन से अब आपके पास मिलने चला गया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो ये आपके जिंदगी में मतलब प्रूव हो गया, सही प्रूव हो गया। अगर कोई बंदा किसी को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ से लेके शिमला कैसे जाना है, बस वो रास्ता पकड़ ले और चलता जाए और धीरे बाद में बता देंगे आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहाँ से राइट मुड़ जाओ, बस एक्शन लेके चलो। यदि मैं आज के बारे में 2021 वाला अभिषेक और 2022 वाला अभिषेक, दोनों में क्या फर्क है? सर 2021 वाला अभिषेक को कुछ नहीं दिख रहा था लाइफ में कि वो क्या करेगा अपने लाइफ में, लेकिन उसके पास प्लान थे, लेकिन 2022 वाला अभिषेक देख पा रहा है ये उसका फर्स्ट एज ए कंपनी होगी जहाँ पे वो काम कर रहा है और इसके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द होल आप प्रॉपर्टी गुरुकुल को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो?
सर अभी के लिए प्रॉपर्टी गुरुकुल 10 में से मैं 7 नंबर देना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं इसको अपना पूरे एफर्ट से डेवलप कर पाऊं तो मैं इसको 10 में से 10 देगा 10 दूंगा। और एजुकेशन के मामले में तो अभी इसका कोई जवाब नहीं है। फिर यदि फिर मेरे या तो आपको सवाल समझ नहीं है, प्रॉपर्टी गुरुकुल को 10 में से आप कितने नंबर देते हो? 7 देते हो तो क्यों देते हो? यदि 10 देते हो तो क्यों देते हो? अगर सर मैं 7 देता हूँ क्योंकि अभी सर यहाँ पे सिस्टम नहीं है और कोई मैनेजमेंट जैसे कहीं भी जाने पे होता है फॉर्म फिल का, ये फॉर्मल प्रोफेशनल टाइप का अभी नहीं है बस। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो फिर कितने नंबर? सर एजुकेशन पे मैं 10/10 दूंगा क्योंकि कंटेंट और नॉलेज में इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। बस इसी देरी है। कंटेंट ठीक है, कंटेंट बड़ी बहुत ठीक है। यस सर। और यहाँ आपके साथ जो ट्रेनी आते हैं उनके साथ बिहेवियर ठीक है? सर वो तो बहुत ही अच्छा। किस तरीके का माहौल लगता है आपको यहाँ पर आके? घर जैसा माहौल लगता है या घर से वालों से खराब लगता है या अच्छा लगता है? नहीं सर, इतनी दूर से आना वो भी एक अनजान शहर में, तो सर सबसे पहले मैं सिर्फ शुरू में आया था थोड़ा डर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा लैंग्वेज की सुधा, लेकिन आपने मुझे मतलब ऐसे घर जैसा माहौल फील करवा दिया। मैं ये मान लेता हूँ, मैं अपने आपको ही समझता हूँ कि मैं आपके घर जैसा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने अभिषेक प्रजापति जो बिल्कुल जीरो से चल के आए, और ये तो नहीं, चलो मैं अभी जीरो से हीरो तो नहीं कहता, लेकिन इनका सफर कितना अर्थ बड़ा हो गया, अर्थ भरपूर हो गया इनकी लाइफ है, जो कितनी सिग्निफिकेंस की तरफ चल पड़ी है कि ये जो बंदे को यही नहीं पता था कि हमने चलना कैसे है पहुंचना कैसे है, उसको उसकी डेस्टिनेशन है जो उसकी मंजिल है वो साफ दिखने शुरू हो गई है। और जब मंजिल के बारे में आपकी क्लैरिटी हो जाती है, जब आपके ज़िंदगी में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी मंजिल को पा लेते हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो हमारी इंटरव्यू आपको पसंद आएगी। अभिषेक जैसे जो लोग हैं जो मतलब उसमें फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए या घूमर खेली बोलते हैं जिसको पंजाबी में, उसमें फंसे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो निकल के कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके मतलब ऊंचा करके थोड़ा सोचेंगे और अपने बारे क्लैरिटी लेंगे। हमारी कोई मदद की जरूरत है, हम तो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर सर जैसा सपोर्ट हो उनका मतलब एज ए टीचर भी हो मेंटर भी हो, तो लाइफ में कोई भी चीज करना नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहे। अगले हफ्ते मैं फिर एक नई पर्सनैलिटी को लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक आप बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, यही हमारा स्लोगन है। हमने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाना है, उनको गरीबी से ऊपर उठाना है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा जिंदगी का एम है, यही हमारा फेम है। थैंक यू वेरी मच।